सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ बयान। वज़ीर आज़म ने सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी काबीना डिवीजन हम्मा शमीमी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बात कर लेते हैं अब्बास शबीर से। अब्बास बताइए क्या मामला है। देखिए डीजी एसआईए सनाउल्ला अब्बासी को हम्मा शमीमी जिन्होंने सोशल मीडिया पर जो कि सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और कैबिनेट डिवीजन ने उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। एक बड़ा ऑर्डर दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर हम्मा शमीमी के खिलाफ इंक्वायरी 60 रोज में मुकम्मल की जाए। कैबिनेट डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। हम्मा शमीमी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं और उनके खिलाफ इंक्वायरी सिविल सर्वेंट रूल के तहत की जाए। ये भी लिखा गया है कि हम्मा शमीमी ने पीटीआई और तालिबान में एक मशाबत ये भी है कि दोनों हुकूमत मिलने के बाद ये सोच रहे हैं कि इसे चलाना कैसे है। ये सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि दोनों की उम्मीदों का मरकज भी अपारा ही है, जिस पर वजीर आजम ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए ग्रेड 21 के अफसर हम्मा शमीमी के खिलाफ फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने हम्मा शमीमी के खिलाफ इंक्वायरी के नोटिफिकेशन को भी सामने ले आए हैं और वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डीजी एसआईए सनाउल्ला अब्बासी को ये कहा गया है कि हम्मा शमीमी के खिलाफ फौरी तौर पर इंक्वायरी की जाए और 60 रोज में इंक्वायरी को मुकम्मल किया जाए।